कैसा होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपना मसल मास बढ़ा सकते हैं फैट लॉस कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं सब कुछ एक ही वक्त पर साइंटिफिकली और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना किसी सप्लीमेंट के यस yes, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडियट फास्टिंग पर तो इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में आपको साइंस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा तो सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरी तरीके से आपके जो इंटरमीडियंट फास्टिंग का प्रोसीजर है और जो उसके पीछे की साइंस है वो आपके समझ में आ जाएगी सो तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी और मोस्टली लोगों ने की होगी कि जब भी हम लोग कुछ भी खाने की कोशिश करते हैं या खाते हैं तो सबसे पहले हमारे पेट में जाके यानी बैली में और हिप्स में जाके स्टोर हो जाता है लेकिन उसी को अगर हम कंपेयर करें अपनी पुरानी लाइफ से जो कॉलेज का वक्त था या स्कूल का वक्त था तो उस वक्त हम कुछ भी खाते थे समोसे खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं और उससे हमारे कभी मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क नहीं पड़ा बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा ना ही हमारा वेट गेन हुआ सो so, uh, क्या वजह है कि किस वजह से ऐसा होता है मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ ये सब कुछ होता है एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम होता है एच जी एच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये हमारी बॉडी में जो रिकवरी होती है रिपेयर प्रोसेस होता है जो ग्रोथ प्रोसेस होता है और जो कि फैट मोबिलाइजेशन प्रोसेस होता है मैं डिटेल में अभी आपको समझाऊँगा इन सब के लिए जिम्मेदार होता है अच्छा होता क्या है कि जैसे हमारी एज ट्वेंटी को एक्सीड करती है इन केस ऑफ गर्ल्स ये अट्ठारह साल है और इन केस ऑफ़ बॉयज़ ये है इक्कीस साल उसके बाद ऐसा होने लगता है कि जो एच जी एच का फॉर्मेशन है जो इसका सेक्रीशन है हमारी बॉडी के अंदर वो हल्के हल्के कम होने लगता है और जब ये कम होता है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हमारी मसल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और बॉडी में जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है अपने अंदर तो इस हॉर्मोन को हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं हम इसको बढ़ा सकते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग के थ्रू आई के थ्रू आई का प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी हम इंटरमीडियट uh, फास्टिंग करते हैं ये नॉर्मली ऐसा रहता है कि जो 24 घंटे हैं 24 घंटे में से हमें 16 घंटे अप्रोसीमेटली जो मोस्टली फॉलोड डाइट है वो ये है कि 16 घंटे हम लोगों को फास्टिंग करनी है और 8 घंटे में हमें जितनी भी मील की रिक्वायरमेंट है हमारी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है डेली उसको हमें कंज्यूम करना है सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि इंटरमीडियट फास्टिंग हमारे एच जी एच लेवल को बढ़ाता है किस तरीके से बढ़ाता है कि जब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हम लोगों का जो एच जी एच लेवल है वो एकदम नीचे चला जाता है और हमारी उस वक्त ग्रोथ हैम्पर करती है हमारी रिकवरी हैम्पर करती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी हैम्पर करता है जैसे ही हम इंटरमीडियट फास्टिंग करते हैं इंटरमीडियट फास्टिंग का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी को एक शॉक देना बॉडी को शॉक इस तरीके का देना कि बॉडी को ये लगना चाहिए कि हम इस्टारवेशन की तरफ जा रहे हैं इस्टारवेशन का मतलब कि हमें खाने की कमी हो रही है खाने की किल्लत हो रही है और अभी हमें हाल फिलहाल में खाना नहीं मिलने वाला है तो ऐसी कंडीशन में आने के बाद बॉडी क्या करती है कि बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है अपने जो हार्मोन लेवल्स हैं उनको एडजस्ट करती है उस स्टारवेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को ताकि इन केस अगर आगे हमें खाना नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर सके अब ऐसा करने से क्या होता है कि बॉडी जो सेक्रेट करती है वो करती है एच डी होते ही होता क्या है कि हमारे जो फ़ैट है उसका मोबिलाइजेशन शुरू हो जाता है मोबिलाइजेशन मतलब कि जो फ़ैट पहले हमारी बॉडी के अंदर स्टोर था बॉडी एक ऐसे स्टेज पर आ जाती है कि उस फैट को फ्यूल में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है और हमारी जो मसल मास है उसको प्रिजर्व करना शुरू कर देती है सो एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि हमारा फ़ैट भी कम हो रहा है और हमारे मसल भी इंक्रीज़ होने लगे हैं और हमारा जो बॉडी का रिपेयर प्रोसेस है वो भी उसमें तेज़ हो जाता है क्योंकि एक जो स्टार्वेशन है वो एक एमरजेंसी कंडीशन है बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉडी को खाना नहीं मिलने वाला है आगे जाकर तो बॉडी अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करती है और वो सारे के सारे काम करती है जो कि हमारी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए ठीक तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं सो so, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना एच डी लेवल को मेंटेन करके रख सकें सो so, उसको मेंटेन करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है वैसे तो अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे एच डी के तो ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन मैं फेस भी इसको शही शॉर्ट करता हूँ और अब हम आते हैं तो अब हम सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं सेकेंड हारमोन जो होता है वो होता है इंसुलिन इंसुलिन की खास बात यह है कि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है और ये आपके मसल मास को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है साथ ही साथ ये आपके जो फैट है उसको भी रिड्यूस करता है फैट को मेटाबोलाइज करता है अच्छी तरीके जा ताकि फैट जो है आपकी बॉडी में स्टोर ना होकर आपके फ्यूल की तरह यूज हो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज हो अब इंटरमीडियंट फास्टिंग डायरेक्टली तो इसका जनरेशन नहीं बढ़ाती है इंसुलिन को बढ़ाती या घटाती नहीं है लेकिन जो बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है इंसुलिन सेंसिटिविटी मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ देखिए सपोज़ कोई एक बंदा है एक बंदे को अगर सौ ग्राम मसल मास इंक्रीज़ करना है तो उसे सौ एम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी उस बॉडी में अपनी बॉडी में वो प्रोसेस शुरू करने के लिए ताकि उसका सौ ग्राम मसल मास बढ़ सके एक दूसरा बंदा है उसको अगर 100 ग्राम मसल मास अपनी बॉडी में बढ़ाना है तो उसे 200 सौ इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है दैट मीन्स कि उसकी बॉडी कम सेंसिटिव है इंसुलिन को लेकर सो so, हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी इंसुलिन को लेकर उतना ही अच्छा रहता है हमारी बॉडी उतनी अच्छी तरीके से हमारे खाने को और हमारे न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज़ करती है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है सो so, ये जब हम भी इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं तो इंटरमीडियंट फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती है जो कि लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में दोनों में ही हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में भी फ़ायदा करता है और साथ ही साथ ये हमारा मसल मास भी इंक्रीज करता है हमारी बॉडी बहुत एफिशिएंटली काम करती है जब हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है सो so, हमारा जो थर्ड हार्मोन होता है वो होता है एड्रेनिन और नॉन ऐड्रेलिन ये दोनों हार्मोन जो हैं ये मिलकर काम करते हैं और ये हमारी बॉडी में सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी देते हैं सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई डॉग आपके पीछे लग जाता है तो आपके अंदर एकदम से ताकत आ जाती है अलर्टनेस आ जाती है और आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है अचानक से ताकत आती है सो वो जो ताकत आती है वो इन्हीं हारमोन्स की वजह से आती है इन हारमोन्स की खास बात ये भी रहती है कि ये एक तो आपके मेंटल अलर्टनेस बढ़ाते हैं सेकेंडली तो ये आपका जो तो मेटाबॉलिज्म है उसको एक बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट देते हैं जिससे कि आपका ऑब्वियसली वेट भी कम होता है फैट मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है और ये आपको सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी देते हैं एकदम से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है तो जब भी आप इंटरमीडियट फास्टिंग करते हैं तो ये हॉर्मोन्स भी बढ़ते हैं और एक ये आपके नेचुरल वर्कआउट की तरह काम करते हैं जो कि आपकी बॉडी में खुद ही बन रहा है सो तो आप ज्यादा अलर्ट रहते हैं आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में सो so, ये थे साइंटिफिक रीजंस इंटरमीडियंट फास्टिंग को फॉलो करने के और इसके बेनिफिट्स के बारे में अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर किसी बेनिफिट के साथ आती है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी जरूर होता है सो so, uh, सबसे पहले तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि इट इज़ नॉट ईजी टू एडजस्ट फॉर इंटरमीडियट फास्टिंग जब भी आप फास्टिंग शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि दो तीन दिन चार दिन या एक हफ्ते तक मैक्सिमम आपको उसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली आपने जब रात में 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाया और उसके बाद आप सीधे नेक्स्ट डे आप लंच करेंगे सो काफ़ी लंबा एक टाइम होता है इसको एडजस्ट करने के लिए शुरू में थोड़ी सी इशू होते हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं इंसानों को सो बस यही है कि यहाँ आपकी विल पावर काम करती है तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा सेकेंडली जो आपकी सोशल लाइफ है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है ऑब्वियसली जो आपकी लेट नाइट पार्टीज़ हैं दावत है सुबह में किसी के साथ जाना है कुछ भी खाना है उल्टा सीधा वो सब आपका खत्म हो जाता है आपको इंटरमीडियंट फास्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो सोलह घंटे तक आप सिर्फ पानी पी सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं दैट मीनस रात दस बजे से दोपहर तक आप कुछ नहीं खा सकते तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना सोशल लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग का अपने ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर लेते हैं वो आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हालांकि एच लेवल्स आपका इंसुलिन लेवल्स और एड्रेनलिन लेवल्स जो हैं आपके 12 घंटे में बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी स्टडीज़ ने शो किया है कि आपको कम से कम जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपको पीक परफॉर्मेंस मिलती है अपनी बॉडी के अंदर फास्टिंग तो हमने डिस्कस कर लिया अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो बचे हुए आठ घंटे हैं उसमें हमें क्या खाना है किस तरीके से खाना है देखिए आपके, आपके सपोज जितनी भी आपकी कैलरी रिक्वायरमेंट है डेली आपको उसी कैलरी को अच्छी क्वालिटी में उन आठ घंटे में आपको खाना है दैट मीन्स आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इस प्रायोरिटी आपको देनी है प्रोटीन्स की आप उस आठ घंटे में जो भी खाना खाएंगे आप तीन मील्स भी ले सकते हैं चार मील्स भी ले सकते हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपने हर मील में प्रोटीन को ऐड करना है ऑब्वियसली फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को भी ऐड करना है लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जो है इसके अंदर कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐड ना करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट फिर वही आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस को चेंज करेंगे आपको ज़्यादा भूख लगाएंगे आपको लगेगा थोड़ी देर बाद वो तो क्योंकि मेटाबोलाइज हो जाएंगे बहुत जल्दी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपको बहुत जल्दी भूख लगने लगेगी दोबारा से तो बेटर ये है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही यूज़ करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या ओट्स आप यूज़ कर सकते हैं ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं और जितने भी नेचुरल सोर्सेज से आते हैं अनप्रोसेस्ड जो फूड आते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं आप उनको प्रीफर करिए प्रोटीन भी आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लेना लेने की कोशिश करिए आप एग्स ऐड कर सकते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन एग में होता है आप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं आप चिकन ऐड कर सकते हैं या जो भी एक्सवाइजेड आपका सोर्स है प्रोटीन का वो भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको फ़ैट का भी ध्यान रखना है कि फ़ैट भी आपको अच्छे सोर्सेज से ही ऐड करना है सो आई होप ये इंटरमीडियट फास्टिंग का जो एक कंसेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से काम करता है इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको थम्सअप ज़रूर दे देना क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक लाइक like होता है क्लिक करना होता है लेकिन हम लोगों के चैनल को ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता रहता है कि आ, हमारे जो वीडियो हमारे जो कंटेंट्स हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ इसको so लाइक like भी कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन मना रहे इस तरीके की और वीडियो आगे बनाने की स्टे हेल्दी स्टे सेफ